कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ जंग लड़ रही सुरक्षा बलों को एक और बड़ी सफलता मिली है। वीरवार देर रात को सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में लश्करी तैयबा के दो आतंकवादियों को मार गिराया गया। माने जाने वाले आतंकियों में उत्तरी कश्मीर का आखिरी इनामी आतंकी फयाज वाद भी शामिल है। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दो आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि सुरक्षा बलों ने आज तड़के ही दोनों को मार गिराया। आतंकियों के शवों व मुठभेड़ स्थल से बरामद हथियारों को कब्जे में लेने के बाद ऑपरेशन को समाप्त करने की घोषणा कर दी गई है। उन्होंने ये भी बताया कि दोनों आतंकियों को मुठभेड़ के दौरान कई बार आत्मसमर्पण करने के मौके दिए गए, परंतु उन्होंने हथियार डालने से मना कर दिया। जम्मू कश्मीर में 15 अगस्त से पहले आतंकवादी हमलों की साजिश रच रहे पाकिस्तान की तमाम साजिशों को नाकाम बनाते हुए जम्मू पुलिस ने देर रात अखनूर के कानाचक सेक्टर के सीमांत इलाके गुड्डा पट्टन में आईडी धमाका करने आए एक पाकिस्तानी हेक्साकॉप्टर ड्रोन को मार गिराया। इस पाकिस्तानी ड्रोन में 5 किलो आईडी बंधी हुई थी। पुलिस ने ड्रोन व उसके साथ बांधी गई आईडी को बरामद कर लिया है। आसपास के इलाकों में पुलिस व सुरक्षा बलों की मदद से सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। एक ड्रोन नज़र आया जिसने पेलोड को ड्रॉप करने के लिए हाइट नीचे की। जिस वक़्त वो नीचे आया, पुलिस टीम ने उस पर फायरिंग की और ड्रोन को नीचे मार गिराया। विमान यात्रियों के लिए अच्छी खबर, जम्मू एयरपोर्ट पर शुक्रवार से रात के समय भी विमान सेवा शुरू हो जाएगी। वीरवार को इसका सफल ट्रायल किया गया। गो एयर का विमान श्रीनगर से रात को जम्मू एयरपोर्ट पर उतरा। इसे लेकर जम्मू एयरपोर्ट पर कर्मियों में खासा उत्साह दिखा। एयरपोर्ट अधिकारियों ने कहा कि रात की उड़ानों के लिए वे पूरी तरह तैयार थे। सफल ट्रायल के बाद सभी उत्साहित नजर आए। अधिकारियों ने कहा कि 5 साल से हो रहे प्रयास अब सफल हुए हैं। अब शुक्रवार को जम्मू से दिल्ली के लिए गो एयर की फ्लाइट शाम 7:30 बजे रवाना होगी। इससे पहले जम्मू एयरपोर्ट से अंतिम उड़ान शाम 4:40 पर उड़ती थी। ऐसे में अब दिल्ली से जम्मू आने व उसी दिन वापस जाने वाले यात्रियों को भी फायदा होगा। कोरोना के लगातार कम हो रहे मरीजों के बीच अच्छी खबर है। लगभग आधे जिलों के अस्पतालों में एक भी मरीज भर्ती नहीं है। इन जिलों में जो मरीज है वे भी घरों में अपना इलाज करवा रहे हैं। अब श्रीनगर ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां सबसे अधिक 76 मरीज इलाज करवा रहे हैं। अन्य जिलों में अब ना बराबर ही मरीज भर्ती हैं। जम्मू कश्मीर में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 1,602 रह गई है। अस्पतालों में अब 142 मरीज इलाज करवा रहे हैं। इनमें 50% श्रीनगर के अस्पतालों में भर्ती हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद लद्दाख के विकास के लिए पूरी ताकत से जुटी केंद्र सरकार ने वीरवार को इसे दो और बड़े तोहफे दिए। इनमें पहला करीब 750 करोड़ की लागत से बनने वाला केंद्र विश्वविद्यालय है। इसके पहले चरण का काम अगले 4 वर्षों में पूरा हो जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय उद्योग और कारोबार को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख में एक इंटीग्रेटेड मल्टीपर्पज कॉरपोरेशन का भी गठन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई कैबिनेट की बैठक में लद्दाख को लेकर इन दोनों फैसलों को मंजूरी दी गई। कुछ घोषणाएं भी की थी, उसको लेकर बड़े निर्णय आज दो किए गए हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 750 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। जम्मू कश्मीर में दम तोड़ रही आतंकवाद से बौखलाए पाकिस्तान अब प्रदेश की युवा पीढ़ी को नशे के गर्त में धकेलने की साजिश में जुटा है, लेकिन मुस्तैद सुरक्षा बल हर मंसूबे को नाकाम बना रहा है। पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने पाकिस्तान से तस्करी कर लाई 2 किलो हीरोइन बरामद कर पूर्व सैन्य कर्मी सहित 3 तस्करों को गिरफ्तार किया। अफगानिस्तान में तैयार हीरोइन की पैकिंग पाकिस्तान में हुई है। 19 तारीख को हमें एक स्पेसिफिक इतला मिली कि एक आदमी जिसका नाम नरेश कुमार है, वो खोड़ एरिया से अखनूर की तरफ हीरोइन की कोई बड़ी कंसाइनमेंट लेके जा रहा है। उसकी स्कूटी का नंबर भी हमारे साथ शेयर किया गया। एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स की टीमें, उन्होंने जगह जगह पे नाके लगाए और दौराने सर्च उस स्कूटी को जब हमने रोका, उसकी सर्च से हमें एक पैकेट हीरोइन का जब्त हमने किया, जिस पर
बड़ा खास किस्म का निशान था जो कि उसको अफगान ग्रेड हीरोइन की तरफ इशारा कर रहा था। डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने वीरवार को ट्रांसपोर्ट नगर नरवाल में सड़क और जल निकासी व्यवस्था को जांचा। उन्होंने तत्काल मरम्मत करने के निर्देश दिए। लोगों ने डिवकॉम को बताया कि उपराज्यपाल के कार्यकाल के निर्देश पर ट्रांसपोर्ट नगर में बुनियादी ढांचे के लिए 22 करोड़ की राशि जम्मू महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के कैपेक्स बजट के तहत रखी है। ये राशि जम्मू विकास प्राधिकरण के माध्यम से खर्च की जानी है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग को अपने विभागीय बजट के तहत शेष राशि की आवश्यकता को प्रोजेक्ट करने में निर्देश दिए हैं।